ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके लिए रेल प्रशासन जहां ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगा रहा है, वहीं ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। गाड़ियाँ चला रहे हैं दिल्ली बम्बई कलकत्ता चंडीगढ़ से गाड़ियाँ चला रहे हैं, विशेष गाड़ियाँ चला रहे हैं। अभी गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ कोचेज बढ़ाते हैं, जिन भी ट्रेनों में आवश्यकता होती है जिसमें वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें नंबर ऑफ कोचेज बढ़ाते हैं, जिसमें कुछ टेम्परेरी ऑगमेंटेशन किया जाता है, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए नंबर ऑफ कोचेज बढ़ाए जाते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो पिछले साल 18-19 में मई तक हम लोगों ने 85 एडिशनल कोचेज लगाए थे, जबकि 19-20 में भीड़ को देखते हुए इसको अकोमोडेट करने के लिए पैसेंजर्स को 289 कोचेज अब तक लगाए हैं हम लोगों ने एक्स्ट्रा, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन जो रेगुलर चलाते रहते हैं उसकी डिटेल सूचना हम लोग पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बताते रहते हैं, देते रहते हैं, जिससे कि वो स्पेशल ट्रेन का प्रयोग कर सकें आवागमन के लिए, जिससे इस भीड़ भाड़ भरी यात्रा में उनको थोड़ी निजात मिल सके। और रेलवे प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि जितना अधिक से अधिक विशेष गाड़ियां ऐसे अवसरों पे चला सकें। सर, कुछ बड़े शहरों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चला जा रही है? बिल्कुल, जैसे पुणे के लिए कुछ ट्रेन चल रही है, इसके अलावा आपका आनंद विहार के लिए चल रही है, डिफरेंट स्टेशन पे कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसका डिटेल आप लोगों को दे दिया जाएगा और पेपर के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता रहता है और फिर पुनः किया जाएगा। जो से अनुरोध करूंगा कि कृपया विशेष गाड़ियों के लिए जहां भी उनको जाना हो कृपया देख लें, जो ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं उससे जाने का प्रयास करें और रेलवे का सहयोग करें।